नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पे थे। एक गांव था जहां पर हम आए और यहां के लोगों से बात करने की कोशिश की। चुनावी चक्का चल रहा है तो गांव के लोग बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वोटिंग राइट जो है सबके लिए है। और वो क्या सोचते हैं और क्या विकास आया, यहां पर आदिवासी भी हैं, यहां गांव के लोग भी हैं, और स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद इन गाँव के लोगों को क्या रोजगार मिला है और किस तरीके से सरकारों ने काम किया है, तो इन्हीं लोगों से बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। गुजरात इलेक्शन का जो माहौल है, हम इसी तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ राजेश जी हैं जो इसी के गाँव के झुंडा गाँव के ही रहने वाले हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। कितने साल पहले आप यहीं के रहने वाले हैं कि आगे कहीं से? हमें बाप दादा का है, पुराना ही है हमारा। अच्छा, मतलब आप यहाँ से पुश्तैनी आप यहाँ? हाँ, यहीं पे। पहले क्या था और अब क्या है? जब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मूर्त बना तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ और इसके पहले कैसा था माहौल, ये कुछ बताएं आप। पहले देखो तो सर, छोटे छोटे रास्ता था हमारे यहाँ। अभी जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गया ना, तब से चौड़ा रास्ता हो गया, डबल वन वे हो गया, चौड़ा रास्ता हो गया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये फोर लेन आपको दिख रही होगी, ये इस समय देखिए रास्ते और दनादन गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। आप देख सकते हैं शानदार रोड है और एक गांव का हिस्सा है। राजपिपला ये रोड जाती है, राजपिपला जाती है और ये बीच में एक गांव पड़ता है। तो यहाँ पर तो कुछ अभी क्या परिवर्तन, गवर्नमेंट ने कुछ और रोजगार के लिए कुछ किया है? मेरी बात करो सर तो मेरी बात में, मैं खेती कर रहा था, खेती के साथ साथ अभी मेरा छोटा सा घर था, तो उसमें गवर्नमेंट में ऐसा सिस्टम लगा कि आपका घर है तो आपको उसमें होम स्टे का परिवर्तन लगा दो। अच्छा, अच्छा। तो मैंने होम स्टे लगा दिया अंदर। अच्छा। तो जितना टूरिस्ट लोग आते हैं तो मेरे पास रुकते हैं। अच्छा अच्छा। जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए वो भी रुकते हैं और इस रास्ते पे जो भी जाते होंगे वो भी रुकते हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आ रहा है, अभी जल्दी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, लोग नेता आने लगेंगे, वाइट कपड़े पहन के पूरा एकदम झार के ऐसे आते हैं और फिर हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि क्या नाम है, मुझे वोट दे दीजिए, तो किसका माहौल बन रहा है, किसको देंगे वोट? मेरे अंदर से सर बोलो तो मेरे यहाँ भाजपा का ज्यादा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो भाजपा ही आएगा मेरे यहाँ। अच्छा काम किया है? काम बहुत अच्छा किया भाजपा ने। अच्छा, आम आदमी पार्टी एक आई हुई है, कोई जानता है आम आदमी पार्टी के बारे में? जानते हैं। कैसा काम कर रही है, कुछ लगता है? नहीं, कुछ नहीं होगा उसका, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला है आम आदमी। नहीं नहीं, झाड़ू लगा के जाएंगे? झाड़ू तो सबको झाड़ू लगा के कह रहे हो, सबको झाड़ू लगाते हैं। आपका नाम? दिलीप भाई। दिलीप भाई, ये बताइए कि मोदी जी के इस सरकार में और आप इस गांव में हैं, कितने वर्षों से क्या परिवर्तन आया और अभी क्या स्थिति है? परिवर्तन तो बहुत आया है, मोदी के आने के बाद ही आया है, पहले तो नहीं था, हमने देखा ही नहीं था। ये हम गांव से निकलते थे तो रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था, क्या अभी शिक्षा में भी कितना परिवर्तन आया, शिक्षण में भी। हाँ, शिक्षा की बात बहुत अच्छी है, तो शिक्षा की व्यवस्था के लिए कुछ आप बताएंगे? हाँ, शिक्षा में अच्छा है हमारे यहाँ, आदिवासी लोगों को शिक्षा लेने के लिए मतलब मोदी सरकार में क्या है कि स्कॉलरशिप मिलती है और लड़कियों को आगे लाने के लिए वो बस में वो मुफ्त में पास निकाल के देते हैं, तो क्या है लड़कियाँ आगे आ सकती है, ऐसे हुआ। और अभी हमारे नर्मदा जिले में ही और ट्राइबल आदिवासी यूनिवर्सिटी बन रही है अभी, बिरसा मुंडा ट्राइबल या आदिवासी यूनिवर्सिटी, तो उससे हमारे आदिवासी लोग बहुत आगे आ सकेंगे। अच्छा अच्छा। ये एक चीज़, हम जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास गए तो एक पिंक लाइन की ऑटो चल रही है वहाँ पर, पिंक ऑटो चल रही है। मैं आपको बता दूँ, वो पिंक जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं और कुछ यहाँ के जो गांव की महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ भी थीं और कुछ लड़कियाँ भी हैं, तो उनको सरकार ने वो पिंक बस एक ऑटो उनको मुहैया कराया और वो 500 या 600 रुपए का टोकन लेते हैं रोज, और उसके ऊपर की जो भी कमाई होती है वो उन लड़कियों को, उन बहनों को मिलता है और सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो 600 रुपए के ऊपर जो कमाती हैं वो तो उनका होता है, और 600 रुपए जो सरकार टोकन अमाउंट लेती है वो टोकन अमाउंट उनके खाते में जाती है, जो कुछ समय के बाद वो ऑटो फ्री हो जाएगा, ऐसा कुछ है?
हाँ ऐसे सरकार ने उनको चलाने के लिए दिया है, मतलब जो बेरोजगार महिलाएं हैं अच्छी हिंदी वगैरह बोल लेती है उनको उन्होंने ट्रेनिंग देके फिर पिंक रिक्शा दी है उनको चलाने के लिए। ट्रेनिंग फ्री में रहती कुछ? हाँ, फ्री में अच्छा। उनको फ्री में ट्रेनिंग दिया है। अच्छा, गांव आपके गांव में लड़कियां होंगी बच्चियां होंगी जो पढ़ने जाती होंगी तो गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में जाती है। क्या स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बताएंगे? यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी शिक्षकों की कमी है अभी। अच्छा अच्छा, शिक्षकों की कमी है। हाँ, मतलब वो शिक्षक का क्या है, मतलब स्कूल में आते हैं कि मैक्सिमम इधर उधर? हाँ, शिक्षक तो पढ़ाई तो यहाँ पे अच्छी ही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे शिक्षकों की कमी के लिए थोड़ा थोड़ा एजुकेशन थोड़ा कम है। कि क्या सरकार को इस पे क्या काम करना है? यहाँ शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी शिक्षकों की कमी है। आपके गांव में कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं? हमारे गांव मतलब छोटा सा गांव है, तो हमारे स्कूल गांव में एक ही स्कूल है, एक ही स्कूल और दो टीचर है और संख्या है 20 के आसपास है। 20 के आसपास। आपके गांव में कितने घर होंगे अप्रोक्स? 60 60 घर हैं। ये 60 घर का पूरा गांव है और उसमें दो एक स्कूल है, दो शिक्षक हैं और 60 बच्चे हैं? नहीं, 20 बच्चे हैं, बस 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं, और सारे बच्चे कहाँ जाते होंगे और घरों के बच्चे? मतलब एक से पाँच तक कक्षा है वो गांव में, पाँच तक है। जो बड़े बच्चे हैं वो कहाँ जाते? वो बगल वाले गांव में एक स्कूल है, वहाँ 8 तक है, 8वीं कक्षा तक है। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ जाते हैं, और जो बड़े बच्चे जो है 10 से 12 वो राजपिपला शहर में जाते हैं। राजपिपला जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर? नहीं, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे राजपिपला है, जो थोड़ा सा यहाँ से डेवलप जगह है, वहाँ पर हाई एजुकेशन के लिए व्यवस्था है। वो हमारे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का वो मेन शहर है। अच्छा, मेन शहर है। तो आपकी एजुकेशन वहीं से हुई? हाँ, मेरी राजपिपला से ही हुई। अच्छा, अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, माहौल वही है कि कुछ बदलेगा? नहीं, माहौल तो अभी वही है। किसको वोट देंगे, कुछ बताएंगे? अच्छा, वोट देते किसको है आज तक? मोदी जी को ही। मोदी जी को इस बार? मोदी जी के अलावा किसी को नहीं? मोदी जी को ही। मोदी जी को? हाँ। क्यों? अच्छा किया काम। हाँ। इसलिए अच्छा काम किया। हाँ सर। आप क्या कहते हैं? मैं कड़िया काम करता हूँ। किस चीज का? ये चेन्नई प्लास्टर का काम करता हूँ। अच्छा, प्लास्टर का प्लास्टर। अच्छा अच्छा, ये काम करते हैं आप। हाँ। और ये बताइए कि रोजगार का क्या है, जैसे आप लोग हैं, आप रोज रोज का काम करते होंगे ना? हाँ। दिहाड़ी पे काम करते हैं। हाँ। तो सरकार ने आपके लिए कुछ कदम उठाया है लगता है? हाँ, वो सब काम मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। मिलता है। कहाँ से मिलता है? बाहर मिलता है? चिपड़ाई मिलता है, राजपिपला में मिलता है। रेगुलर काम मिलता है? हाँ, रेगुलर मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो घर बन रहे होंगे या नई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद ज्यादा हो रहा है, बनने के बाद ज्यादा हो रहा है, तो आप लोगों को काम मिल रहा है। मिलता है। ये भी कारण है कि जब किसी शहर में किसी इलाके में कुछ डेवलपमेंट होता है तो वहाँ के आसपास के एरिया में फर्क पड़ता है और कुछ इम्प्रूवमेंट आती है। तो कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि सरकार को और क्या करना चाहिए, या कुछ कमी बेसी कुछ ऐसा कि नहीं हुआ या होना चाहिए, कुछ अपने जहन से आता है सवाल? मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि एक बार जो मोदी सरकार आएगी ना, तो जितना मतलब पिछला वर्ग है उसको मतलब और बढ़ावा मिलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अच्छा। पिछड़ा वर्ग को बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल? अभी तो मिल रहा है, पर वो थोड़ा की कमी है, वो भर जाएगी मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ। थोड़ी बहुत कमी है तो वो फिर सही हो जाएगी। हाँ। हर सरकारों में थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, खामियां रहती हैं, लेकिन इस गांव में हमको नहीं लगता है। यहाँ कुछ लोग और हैं, लेकिन गुजरातियों का क्या है ना, ये शर्माते बहुत ज़्यादा हैं। इनसे जब बात करने की हम कोशिश करते हैं, ये लोग थे तो ये दूर जाके वहाँ पर गाड़ी पे बस नज़ारा ले रहे हैं। अगर मैं इनके पास जाऊँगा तो देखिए ना ना हाथ से हाथ टाटा कर रहे हैं हमें कि नहीं भैया हम नहीं कुछ बोलेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम तो हर जगह जाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या बात है, क्योंकि सरकार 5 साल में एक बार बनती है और वोट सबको देना होता है। तो जिसको आप वोट देंगे वही सरकार बनेगी। एक वोट से सरकार की तब्दीली हो जाती है, एक वोट से सरकार जो आप चाहते हैं वो भी बन जाती है। तो हर एक वोट देने जाएंगे? हाँ, वोट देने जाएंगे। हाँ, जाऊँगा। आप जाएंगे? हम तो देते ही। आप लोग तो वोट देंगे ही? हाँ, हाँ, देंगे। आप तो यहाँ गांव के यूथ हैं। अच्छा, यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
अपने गांव के जो बच्चे अगर देखें और भी गुजरात के शहरों में गांव में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपॉर्चुनिटीज़ हैं गांव में? हाँ, गांव में है अपॉर्चुनिटी, गुजरात के गांव में अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, बाहर नहीं, अपने लोकल एरिया में ही आपको रोजगारी मिल जाएगी अगर सही से काम करें तो। धंधे के क्षेत्र में कुछ कहना चाहें जो बच्चे कुछ धंधा करना चाहते हैं या कुछ नया बिजनेस करना? हाँ, धंधे के क्षेत्रों में कर सकते हैं आप कुछ, जैसे हमारे यहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है तो उसकी वजह से बहुत सारे वो टूरिस्ट आ रहे हैं तो टूर गाइड का काम कर सकते हैं, और वैसे अलग अलग जो ट्रैवल्स के लिए वो गाड़ी वगैरह ऑटो वगैरह चलाते हैं ऐसे भी धंधा कर सकते हैं। और दूसरा तो क्या कुछ बस, मतलब इस तरीके के इनके कहने का मतलब है कि जब स्टैचू ऑफ यूनिटी आई है यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर गाइड की अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, टूरिस्ट आते हैं तो आप अपनी गाड़ियों को लेके टूर के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर घूमने के, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए आई है, और एजुकेशन मायने तो रखता ही रखता है। हाँ, आप धंधा करें या पढ़ाई लिखाई का तो असर होना चाहिए। हाँ, पढ़ाई जरूरी है क्योंकि यहाँ क्या है, लोकल एरिया है तो मतलब हिंदी वगैरह अच्छे से लोग नहीं बोल पाते, तो यूथ को बस यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से आप हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश थोड़ा समझ सके इतना, मतलब पढ़ाई की। हिंदी तो मातृभाषा है, पूरे भारत में हिंदी चलती है, क्योंकि गुजरातियों का क्या है, मैंने देखा है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर उनको हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन जिसकी एजुकेशन उतनी नहीं है तो वो लोकल टोन में अपने मदर टंग में ही रह जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक लैंग्वेज की बैरियर आ जाती है। अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको हिंदी नहीं आ रही है या इंग्लिश नहीं आ रही है तो एक बैरियर पैदा हो जाएगा कि आपको समझने को और बात करने को। ये बच्चे यहाँ पे हैं और यहाँ से पढ़े लिखे हैं और इनकी हिंदी आप सुन सकते हैं कि बहुत अच्छी है, तो ये गाँव के कुछ लोग थे, इनसे बात करें तो इस बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार, मोदी सरकार। ये देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर मोदी सरकार ही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नहीं वैसे अच्छा, वो तो बड़े बड़े वादे किया, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये बिजली के बिल बहुत महंगे हो चुके हैं, यहाँ पर क्या नाम है, एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है, तो ये चीज को दोनों मैं मुफ्त कर दूंगा, क्या कर सकते हैं ऐसा वो बोल रहे हैं, मगर क्या है कि वो एजुकेशन तो वैसे वो सरकारी स्कूल में तो मिल ही रहा है, अच्छा ही है वहाँ पे भी, कुछ बुरा नहीं है। पैसा भी कम लगता है? नहीं, पैसा भी कम लगता है, तो। और ये बिजली के बिल वाली बात, बिजली के बिल 300 रुपया यूनिट कम फ्री करने की बात करें, वो तो अच्छा है, वो उनका वो अच्छा है, 300 यूनिट कम कर सकते हैं, आपको लगता है कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं वो। हाँ, तो मौका देना चाहिए? हाँ, देना तो चाहिए, आप देंगे? इतने इतने साल मोदी जी ने काम किया है, अच्छा है वो देख के, मगर वो इस बार एक बहुत बड़ी चुनाव आयोग ने तब्दीली की है, उन्होंने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में जो तब आप लिखते हैं वो अगर नहीं किया तो चुनाव में जितने भी लोग हैं जो पार्टियां बड़े बड़े वादे करके जुमलेबाजी करके चले जाते हैं और अपने मैनिफेस्टो में ये फ्री वो फ्री ये फ्री, तो अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं अगर वो बातें कर रहे हैं उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है तो वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी? करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो उनका भी वही होगा। हाँ, वही होगा, बिन पैनी के लोटे वाले हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये कुछ लोग थे यहाँ पे, हमने